हेलो बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आज हम भारत की खोज का जो पाठ आठ है तनाव, पहले इसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जान चुके हैं कि इसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इन्हीं की लिखी हुई ये पुस्तक है भारत की खोज, जिसका कुछ अंश 8वीं कक्षा में दिया गया है। तो आज हम इसका जो पाठ आठ है तनाव, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ आठ, तनाव। भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जारी था या जोरों पर था, वहाँ क्या होगा? भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या क्या अंतर आएगा? अब अगला है चुनौती, भारत छोड़ो प्रस्ताव। मुंबई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की, जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव का हिस्सा बन गई थी, या उस नाम से उसे जाना जाता है। तो बच्चों देखो, ये चित्र भी दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में औरतों का एक जुलूस। और स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुआ था तो उसमें पुरुषों ने ही अपना योगदान नहीं दिया था, बल्कि औरतों ने भी आगे आकर इस आंदोलन में अपना योगदान दिया था। सभी लोग भारत के, चाहे वह किसी भी वर्ग से थे, पुरुष थे या महिला थे, किसी भी धर्म के थे, वो सब स्वतंत्र होना चाहते थे। इस चित्र को देखकर हमें लगता है कि किस तरह से यह भीड़ उमड़ी होगी। तो बच्चों, अब आगे चलते हैं। वह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था, ऐसी सरकार जो मिली जुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ भारी हमले को रोकना। कांग्रेस कमेटी ने सरकार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में, अपरिहार्य होता है जिसे टाला ना जा सके, अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती, ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी। अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। 8 अगस्त सन 1942 को काफ़ी रात गए यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह सुबह मुंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह हम अहमदनगर के किले में आए, हम अर्थात लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ लिया है, अब हम इससे संबंधित परीक्षा योगी प्रश्नोत्तर करेंगे।
तो बच्चों इसका जो पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ और कब प्रस्तुत किया गया, इस प्रस्ताव में क्या क्या सुझाव दिया गया था। तो इसका उत्तर इस प्रकार आएगा, 7 और 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। विशद होता है बच्चों जिसे हम स्वच्छ कहेंगे या उज्जवल भी कह सकते हैं। इस प्रस्ताव पर खुली सभा में विचार किया गया था। इस प्रस्ताव में अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था जो मिली जुली हो और जिसमें सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। तो एक ऐसी सरकार बनाने का प्रस्ताव आया सामने कि जिसमें सभी वर्ग या किसी भी धर्म से अमीर गरीब कैसे भी लोग हैं उन सबको इस सरकार में शामिल किया जाए, ऐसी एक सरकार बनाई जाए। तो बच्चों ये प्रस्ताव कब सामने आया था, 7 और 8 अगस्त की बात है ये, सन 1942 ईस्वी में। तो ये स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जो लोग एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं, तो वे इस तरह का प्रस्ताव ये रख रहे हैं कि जब हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे तो उस सरकार के फैसले के अनुसार फिर हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो बच्चों अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस कमेटी ने क्या अपील की और क्या स्वीकृति दी। अब इसका उत्तर है, कांग्रेस कमेटी ने सरकार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की। अपील मतलब निवेदन किया, प्रार्थना की, उनके सामने अपना प्रस्ताव रखा सभी ने तरीके से। कमेटी में गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति भी दे दी थी जो गांधी जी के ऐसा करने का निर्णय लेने के बाद लागू होनी थी। तो अहिंसात्मक तो बच्चों आप समझते होंगे कि ऐसी लड़ाई जो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी जाए। तो तभी तो हम महात्मा गांधी जी को सत्य और अहिंसा का पुजारी मानते हैं कि उन्होंने बिना हथियार के लड़ाई लड़ी थी। आज के समय तो हमें ये ऐसा लगता है कि क्या ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो बिना हथियार के अपने दुश्मनों से लड़े हों। तभी तो अहिंसात्मक जो जन आंदोलन यहाँ पे बात कही गई है तो उसी के लिए कही गई ही है बच्चों ये, कि उन्होंने अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू किया था। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी जी ने कहते हैं और इन्हें बापू भी कहा जाता है, ये राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं बच्चों। तो महात्मा गांधी जी ही वह महान नेता रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को अहिंसात्मक तरीके से लड़ा था, यानी कि उन्होंने किसी भी तरह के हथियार का प्रयोग नहीं किया था। तो बच्चों अब तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास होने का क्या प्रभाव हुआ। इसका उत्तर इस तरह से आएगा, 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को बहुत रात बीतने पर यह प्रस्ताव पास हो गया था। इस प्रस्ताव के पास होने के अगले दिन सुबह सुबह मुंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी प्रकार लेखक अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में लाया गया था। तो बच्चों हमने जो पहला पाठ पढ़ा था अहमदनगर का किला, तो उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि उनकी यह नवी जेल यात्रा थी किसकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो बच्चों हमने ये पाठ 8 जो तनाव है उसको पढ़ा और उसके प्रश्न अभ्यास भी किए जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है 3, उनके उत्तर भी जाने, तो आपको जरूर ये समझ आए होंगे। तो बच्चों आपने इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को साफ साफ और सुंदर तरीके से अपनी कॉपियों में भी लिखना है और साथ में इन्हें याद भी करना है ताकि आप परीक्षा में इन प्रश्नों के उत्तर लिख सको। तो आज बस बच्चों इतना ही। धन्यवाद।